PDCA साइकिल, PDCA साइकिल आल्सो कोड प्लान डू स्टडी एक्ट, PDSA साइकिल भी इसको हम कहते हैं, डैमिंग साइकिल कहते हैं, शेवार्ड साइकिल भी हम इसको कहते हैं। तो जब भी आप PDCA या PDSA सुने तो ज़्यादा कन्फ्यूज ना है, दोनों को एक ही चीज़ है। ये PDCA की फुल फॉर्म क्या है, प्लान डू चेक एक्ट। ये PDCA एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूस चलती रहती है। द प्लान डू चेक एक्ट साइकिल इज अ फोर स्टेप मॉडल फॉर कैरिंग आउट चेंज जस्ट एज सर्कल हैज नो एंड, द PDCA साइकिल शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मतलब जो PDCA साइकिल जो है ये कंटिन्यूस चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। जैसे ही अगर हमने एक प्रोजेक्ट को अचीव कर लिया है तो सेकेंड प्रोजेक्ट हम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये नेवर एंडिंग एक साइकिल है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है। PDCA साइकिल को वाल्टर शेवार्ट जो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल। वाल्टर शेवार्ट ने ही कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये शेयर किया था, प्लान डू स्टडी एक्ट इन हिज 1939 बुक। इसमें उन्होंने अपनी बुक के अंदर इसके बारे में लिखा था जो कि प्लान डू स्टडी एक्ट था, स्टैटिस्टिकल मेथड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये है उनकी बुक का नाम जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था फर्स्ट टाइम वाल्टर शेवार्ट ने। इसके बाद ये जो डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग है इन्होंने इसको मॉडिफाइड कर दिया, PDSA साइकिल को मॉडिफाइड एंड पॉपुलराइज द शेवार्ट साइकिल PDSA टू व्हाट इज नाउ रेफर्ड एज द डेमिंग साइकिल। मतलब पहले इसको हम शेवार्ट साइकिल या फिर PDSA साइकिल कहते थे, अब जो है इसको हम डेमिंग साइकिल भी कहते हैं या फिर PDCA साइकिल जिसको हम प्लान टू चेक एक्ट कहते हैं ये भी हम अब कहते हैं। इसको डेमिंग ने PDCA में नाम से पॉपुलर किया। PDCA was created by W. Edwards Deming in the 1950. PDCA जो है W. Edwards Deming ने 1950 के अंदर डेवलप किया एज एन ईजी टू फॉलो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। मतलब ये ईजिली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के नाम से इसको यूज़ किया जाता है। डैमिंग वॉज टेक विथ हेल्पिंग जापान रिबिल्ड इट्स इकोनॉमी इन द 1950। जो डैमिंग को जो है टास्क दिया गया था ताकि वो जापान को उनकी इकोनॉमी को दोबारा बिल्ड करे, सन 1950 के अंदर उनको एक ये टास्क दिया गया था। हिज पर्पस वाज टू यूज PDCA विथ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। इन्होंने PDCA साइकिल को एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल के तौर पे यूज़ किया टू हेल्प रिबिल्ड जापानीज इंडस्ट्री सो डैट दे कुड कम्प्लीट द वर्ल्ड मार्केट इन द फ्यूचर। मतलब इन्होंने जापान की हेल्प करने के लिए PDCA साइकिल का यूज़ किया था, और जापान की हेल्प इन्होंने 1950 में किया था। जापान की हेल्प इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि अमेरिका ने जब जापान के ऊपर जो परमाणु बम फेंका था, जापान बर्बाद हो चुका था, तो जापान को दोबारा उठाने के लिए एडवर्ड डैमिंग ने उनकी हेल्प की थी। तो अमेरिका ने उनको वहाँ पर भेजा था ताकि उनकी इकोनॉमी को दोबारा उठा सके, तो इसलिए ये PDCA साइकिल का यूज़ वहाँ पर हुआ था सबसे पहले। PDCA के अंदर चार फेज होते हैं। पहला फेज है हमारा प्लान फेज। प्लान फेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है, फॉर्मेटिव टू डिस्कस। एक टीम को हम बनाते हैं ताकि जिससे हम डिस्कशन कर सके। क्लैरिटी द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, मतलब किस गोल के लिए या किस के लिए हम काम करना चाहते हैं उस गोल या ऑब्जेक्टिव को हम क्लैरिटी देते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उसके लिए तो हमें काम करना है तो प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम समझते हैं, और आइडेंटिफाई द रूट काउज, और रूट काउज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे प्लान फेज की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद आता है हमारा डू फेज। डू फेज की कुछ एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि एग्जीक्यूट द एक्चुअल प्लान। एक्चुअल प्लान को हम एग्जीक्यूट करना होता है। इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, और जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करें उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। कैरी आउट स्मॉल स्केल स्टडी, और एक स्मॉल स्केल स्टडी करनी होती है। किसी भी चीज़ को बड़े स्केल पर करने से पहले उसको एक स्मॉल स्केल पर करा जाता है इस डू फेज के अंदर, ताकि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकलती भी है तो हम उसको छोटे स्केल के अंदर ही उसको इम्प्रूव कर लें, ताकि बड़ी मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। ट्राई और टेस्ट द सॉल्यूशन, और जो भी हम ट्राई और टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन को इस फेज के अंदर, डू फेज के अंदर। इसके बाद आता है हमारा चेक फेज। चेक फेज की एक्टिविटीज़ क्या होती है, रिकॉर्ड द डाटा, डाटा को रिकॉर्ड करना, स्टडी द रिजल्ट, जो हमारे को रिजल्ट मिले हैं प्लान और डू के अंदर उसको स्टडी करना, मेजर द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस को मेजर करना कि जो हमने काम करा प्लान और डू फेज में वो सही भी करे कि नहीं करे, उसको मेजर करना। चेक के अंदर हम ये सब करते हैं। इन्वॉल्व एंड ट्रेन दोज अफेक्टेड बाय इम्प्रूवमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, फॉरवर्ड द फीडबैक टू
मैनेजमेंट, मतलब जो जो लोग इस इम्प्रूवमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि कोई रिजेक्शन आई है तो लाइन के अगर बंदे हैं या फिर ऑपरेटर हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उनको इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया जाता है, करेक्टिव एक्शन के बारे में उनको बताया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये दोबारा प्रॉब्लम ना आए। और जो भी हमने ये सब कुछ करा वो फीडबैक जो है वो हम अपने मैनेजमेंट को आगे पास करते हैं। ये हमारी चेक फेज की एक्टिविटीज़ होती है। इसके बाद आता है हमारा एक्ट फेज। एक्ट फेज के अंदर भी हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि एक्ट अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, जैसा रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना होता है, हमें एक्शन लेना होता है। इफ़ ओके देन मेक इट इज़ बेस लाइन और स्टैंडराइज। अगर हमारे को प्लान डू चेक के अंदर सब कुछ ओके मिलता है तो जो हमने को मिला है उसको हम स्टैंडराइज कर देते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि इसके तरीके से हमें काम करना है। इफ़ नॉट ओके देन रिपीट द PDCA साइकिल। अगर जो हमने प्लान डू चेक के अंदर जो एक्टिविटीज़ करी है अगर वो हमारे को ओके नहीं मिलती है तो हमारे को दोबारा से PDCA साइकिल को रिपीट कर देना चाहिए। अगर डिटरमाइन न्यू टारगेट एंड स्टार्ट PDCA साइकिल अगेन, और अगर हमारे को ओके मिल चुका है तो फिर हमारे को PDCA साइकिल किसी और नए टारगेट के लिए हमारे को दोबारा से स्टार्ट कर देनी चाहिए, कोई और नई इंप्रूवमेंट के लिए हमें PDCA साइकिल दोबारा से शुरू कर देनी चाहिए। वैन टू यूज़ PDCA साइकिल, PDCA साइकिल हमें कब यूज़ करनी चाहिए, वैन स्टार्टिंग अ न्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जब हम कोई नया इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं तो उस टाइम पे हम PDCA साइकिल यूज़ कर सकते हैं। वैन इंप्लीमेंटिंग एनी चेंज, कोई चेंज कर रहे हैं हम अपने प्रोसेस प्रोडक्ट या कहीं पर भी कोई चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फोरम में कोई चेंज कर रहे हैं तभी हम PDCA साइकिल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। व्हेन वर्किंग टूवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और जब हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हम PDCA साइकिल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड है ISO 9001:2015 या फिर जो हमारा क्या कहते हैं IATF का जो स्टैंडर्ड है उसको भी PDCA साइकिल के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्लान फेज क्या है हमारा, प्लान फेज हमारा क्लोज नंबर 4, 5, 6, 7 ये सारे सारे हमारे प्लान फेज में आ जाते हैं। क्लोज 4 हो गया कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज 4, 5 हो गया लीडरशिप, क्लोज 6 हो गया प्लानिंग, क्लोज 7 हो गया सपोर्ट, ये सारे सारे हमारे प्लान फेज में आ जाते हैं। फिर डू फेज क्या है, वो हमारा क्लोज 8 है जो है हमारा ऑपरेशंस। उसके बाद जो चेक फेज होता है वो हमारा क्लोज 9 होता है जो कि हमारा होता है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, इसी के अंदर ही हम MRM करते हैं जिसको कि हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कहते हैं। उसके बाद जो है 10वां फेज है, जो 10वां क्लोज है वो हमारा एक्ट फेज के अंदर आता है जिसको हम इम्प्रूवमेंट्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा PDCA साइकिल के अंदर ये ISO 9001:2015 और IATF भी कैटेगराइज्ड किया गया। तो ये हमारा PDCA साइकिल होता है जो कि एक कंटिन्यूस साइकिल है जो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है। हाय, क्या आप भी क्वालिटी डॉक्यूमेंट सीखना चाहते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट में अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू। वी हैव 7 मॉड्यूल्स, SPC, MSA, FMEA, PPAP, APQP, 7QC Tool एंड ग्लोबल 80 विथ लेटेस्ट रिविजन लेवल, जैसे FMEA का AIG+VDA फर्स्ट एडिशन जो कि जून 2019 में रिलीज हुआ। इस तरीके से 7 मॉड्यूल्स हैं और 40+ टॉपिक कवर्ड हैं। इस कोर्स में आपको 13+ घंटे का वीडियो कंटेंट मिलेगा और साथ में ही 220+ पेजेस की एक ईबुक मिलेगी। इसमें आपको इंस्टेंट वीडियो मिलेगी जो कि आप लाइफ टाइम जितनी मर्जी बार रिप्ले करके देखना चाहे देख सकते हैं, ताकि लाइफ में कभी भी आप इन वीडियो को देखकर अपने डाउट क्लियर कर पाएं। और साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस कोर्स की लैंग्वेज हिंदी में है ताकि आप इसे इजीली सीख पाएं। मार्केट में लोग सेम कोर्स की कीमत 20,000 से 30,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं सिर्फ 375 रुपये में। और साथ में आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करना ना भूले। थैंक यू सो मच। I join advanced course book. It is very useful for me and I recommend it to all the people. It is very knowledgeable. Thank you. I purchased advanced course ebook. It is very helpful for me. Now I am clear my SPC concepts. Thanks. Hello everyone, this side Vinay. I appreciate your effort Pankaj sir. Your advanced course is best and lots of knowledge and a very simple language with example in a book. And I recommend it to all of you. Please join the advanced course. Thank you.